हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ राठौर, विपिन शर्मा एक बार अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो स्टडी 72 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको चीजल के बारे में विस्तार पूर्वक सब बताया था। चीजल किस मटेरियल का बनता है, चीजल क्या होता है, उसका फिगर दिखाया था, उसके बारे में सब बताया था, कितने टाइप्स के होते हैं, हॉट चीजल, कोल्ड चीजल, फिर कोल्ड चीजल के टाइप्स आपको बताए थे, कौन कौन से थे, फ्लैट चीजल, क्रॉस, हाफ राउंड नोज चीजल, काउ माउथ चीजल, वेब चीजल, ये सारी चीजलों के बारे में आपको बताया। आज उसी से आगे हम चीजल के एंगल के बारे में पढ़ते हैं, जो चीजल में एंगल बनते हैं उनको देखते हैं। आइए हम ग्राफ में देखते हैं कैसे कैसे फिगर बना हुआ है, इसको समझते हैं आखिर ये फिगर क्या कह रहा है। सबसे पहले देखते हैं, ये देखिए ब्लू कलर से ये लाइन है, ये वर्किंग सरफेस है जिस पे हमें काम करना है, वो सरफेस है। और ये एक स्ट्रेट लाइन है, देखिए ये टेंजेंशियल लाइन है, मतलब ये लंबवत रेखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें, देखिए पहला ये बीटा दिया हुआ है क्लियरेंस एंगल, फिर इसके ऊपर देखो गामा करके दिया हुआ है पॉइंट एंगल, या फिर इसे कटिंग एंगल भी कहते हैं, फिर अल्फा दिया हुआ है रेक एंगल, और फिर ये दिया हुआ है यहाँ से देखिए वर्किंग बेस से लेकर यहाँ तक का ये दिया हुआ है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। हमें इन्हीं के बारे में पढ़ना है कि क्लियरेंस एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है, झुकाव कोण क्या होता है, पॉइंट एंगल क्या होता है, रेक एंगल क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, ये जानेंगे क्लियरेंस एंगल क्या है, पॉइंट एंगल क्या है, रेक एंगल क्या है। उसके बाद फिर इसमें से कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो न्यूमेरिकल पेपर में आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले जानते हैं क्लियरेंस एंगल क्या है। ये आपको देखो ये चीजल है, चीजल का पॉइंट यहाँ पे टच कर रहा है, तो चीजल हो गई है, देखिए चीजल, तो चीजल के कह रहा है कटिंग एज के बॉटम सरफेस। अब ये कटिंग एज है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कटिंग एज, तो कटिंग एज के बॉटम सरफेस, ये देखिए यहाँ पे बॉटम सरफेस और वर्किंग सरफेस के बीच का जो एंगल होता है उसे हम क्लियरेंस एंगल कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपका, ये देखिए नीचे लिखा भी हुआ, आप देख लीजिए, कटिंग एज के बॉटम फेस और वर्किंग सरफेस के बीच के एंगल को, जो कटिंग एज है, ये देखिए ये पूरा हमारा कटिंग एज है, ये क्या है, कटिंग एज है, कटिंग एज के बॉटम सरफेस और वर्किंग सरफेस के बीच में जो एंगल बनता है, ये जो बीच में जो एंगल बन रहा है, इसे ही हम क्लियरेंस एंगल कहते हैं। कौन सा एंगल कहते हैं, क्लियरेंस एंगल कहते हैं। उसके बाद हम रेक एंगल के बारे में जानेंगे, रेक एंगल क्या होता है। चीजल कटिंग एज, जो चीजल कटिंग एज है इसके टॉप का, देखिये चीजल का कटिंग एज है इसके टॉप, ये बॉटम था, तो बॉटम और वर्किंग सरफेस के बीच के एंगल को क्लियरेंस एंगल कहते हैं। ये आपका क्लियर हो गया। उसके बाद उसके जो चीजल के कटिंग एंगल के जो टॉप है, ये देखिए टॉप हो गया, ये बॉटम था, ये उसका टॉप है, टॉप और टेंजेंशियल लाइन, जो ये लंबवत रेखा है, टेंजेंशियल लाइन के बीच का कोण, कैसे याद करेंगे, चीजल कटिंग एज के टॉप एवं वर्किंग सरफेस से टेंजेंशियल लाइन, वर्किंग सरफेस से जो टेंजेंशियल लाइन लंबवत रेखा खींची गई है उनके बीच में जो कोण बनता है उसे हम रेक एंगल कहते हैं। और थर्ड एंगल हम जानते हैं पॉइंट एंगल, पॉइंट एंगल को ही कटिंग एंगल भी कहते हैं, पॉइंट एंगल को हम क्या कहते हैं, कटिंग एंगल भी कहते हैं। तो पॉइंट एंगल क्या होता है, रेक एंगल और क्लियरेंस एंगल के बीच का जो कोण होता है, क्या होता है, रेक एंगल और क्लियरेंस एंगल के जो बीच का कोण होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पॉइंट एंगल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पॉइंट एंगल बोलते हैं। आइए रेक एंगल के बारे में देखिए यहाँ लिखा हुआ है, आप जान लीजिए, चीजल कटिंग एज के टॉप एवं वर्किंग सरफेस के टेंजेंशियल लाइन, क्या मैंने बताया था कि जो चीजल कटिंग एज है इसके टॉप और वर्किंग सरफेस से जो टेंजेंशियल लाइन के बीच का जो कोण बनता है अल्फा, ये अल्फा ही हमारा रेक एंगल है, अल्फा क्या है, रेक एंगल है। और ये जो गामा बन रहा है ये हमारा क्या है, ये हमारा कटिंग एंगल है, या इसी को पॉइंट एंगल भी बोलते हैं। ये क्या होता है, ये रेक एंगल और क्लियरेंस एंगल के बीच के एंगल को हम पॉइंट एंगल कहते हैं। रेक एंगल और क्लियरेंस एंगल के बीच के कोण को कटिंग एंगल, या अलग अलग धातु के लिए अलग अलग एंगल होता है, जैसे जिंक एल्युमिनियम के लिए 35 डिग्री होता है, इसका कितना कोण रखा जाता है, 35 डिग्री रखा जाता है, कॉपर के लिए 45 डिग्री, कॉपर या ब्रास के लिए 45 डिग्री रखते हैं, उसके बाद कास्ट आयरन के लिए 60 डिग्री रखा जाता है, कितना रखा जाता है, कास्ट आयरन के लिए 60 डिग्री रखा जाता है। अब उसके बाद नेक्स्ट हमें पढ़ना है, यहाँ पे देखिए आप ऊपर फिगर में
एंगल ऑफ इंक्लिनेशन झुकाव कोण क्या होता है। तो चीजल था, चीजल का जो सेंटर सेंटर लाइन है उससे और वर्किंग सरफेस के बीच में जो एंगल बनता है, चीजल हो गया, चीजल के सेंटर लाइन और वर्किंग सरफेस के बीच में जो एंगल बनता है उसे ही एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहते हैं। समझ में आ रहा होगा आपको मैंने क्या बताया, फिर से आप जानिए। चीजल के सेंटर लाइन, ये देखिए यहाँ सेंटर लाइन, ये एरो यहां तक से और ये वर्किंग सरफेस यहां तक के बीच का जो एंगल बनता है उसे ही एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहते हैं, झुकाव कोण कहते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा, आइए देखते हैं क्या कह रहा है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, चीजल के सेंटर लाइन से वर्किंग सरफेस के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहते हैं। अब ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी अलग अलग मटेरियल के अलग अलग होते हैं, जैसे हाई कार्बन स्टील के लिए 39.5, कास्ट आयरन के लिए 37 डिग्री, माइल्ड स्टील के लिए 34.5 डिग्री और कॉपर के लिए 29.5 डिग्री, पीतल के लिए 32 डिग्री, अल्मोनियम के लिए 22 डिग्री। मतलब इसमें हमें एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है वो अलग अलग दे रखा है, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। हाई कार्बन स्टील के लिए 39.5 डिग्री, कास्ट आयरन के लिए 37 डिग्री, माइल्ड स्टील के लिए 34.5 डिग्री। आपको समझ में आ गया होगा हमने क्या क्या बताया, वेक एंगल के बारे में बताया, पॉइंट एंगल बताया, क्लियरेंस एंगल बताया, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बताया। अब देखिए इससे जुड़े हुए कुछ न्यूमेरिकल आते हैं, पेपर में हमें न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, आइए न्यूमेरिकल देखते हैं। कह देगा वो क्लियरेंस एंगल 10 डिग्री दिया हुआ है, पॉइंट एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, रेक एंगल हमें निकालना है। तो क्लियरेंस एंगल, आइए यहां हम क्वेश्चन में देखते हैं, क्लियरेंस एंगल, क्लियरेंस एंगल कितना दे दिया है, 10 डिग्री दे दिया है और पॉइंट एंगल 60 डिग्री दे दिया है और रेक एंगल पूछ रहा है। अच्छा हमें वर्किंग सरफेस से, वर्किंग सरफेस से और ये टेंजेंशियल लाइन के बीच में कितना 90 डिग्री होता है। अब हमारा ये 60 डिग्री दे ही दिया है, 10 डिग्री ये दे दिया, हमें ये पूछा हुआ है, तो 90 में से इधर देखिए आप, 90 में से अगर हम 60 प्लस 10 डिग्री माइनस कर देंगे तो वो एंगल आ जाएगा रेक एंगल। तो 90 माइनस 70 डिग्री, तो 90 माइनस 70 कितना हो जाएगा 20 डिग्री। ये देखिए यहाँ पे ये 10 डिग्री था, ये 60 डिग्री, और हमने क्या बताया था कि कितना होता है 90 डिग्री पे पूरा टेंजेंशियल लाइन होती है वर्किंग सरफेस से, तो उस 90 डिग्री में इसको जब हम माइनस कर देंगे तो हमारा रेक एंगल आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से दिया हुआ है, आइए देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ। रेक एंगल दिया हुआ है, कटिंग एंगल दिया हुआ, इसमें क्लियरेंस एंगल के बारे में हमें पूछ लिया है, या तो क्लियरेंस एंगल आपसे पूछ लेगा या फिर आपसे रेक एंगल पूछ लेगा, तो इसमें क्लियरेंस एंगल पूछ लेगा। आइए देखते हैं इसमें क्या कह रहा है कि 20 डिग्री दे दिया हो रेक एंगल और पॉइंट एंगल दिया हुआ 60 डिग्री, तो टोटल 90 डिग्री होता। अब हम जान गए इससे पहले कि 90 में से 80 माइनस कर देंगे 10 डिग्री आ जाएगा, तो देखते हैं कैसे करते हैं इसको। तो 90 में से 60 प्लस 20 डिग्री कर देंगे, मतलब ये क्या है, 60 क्या है हमारा, ये पॉइंट एंगल है और ये 20 डिग्री क्या था हमारा, रेक एंगल था, तो इन दोनों को जोड़ देंगे और 90 क्या था हमारा, जो वर्किंग सरफेस से टेंजेंशियल लाइन के बीच का एंगल था 90 डिग्री, तो उस 90 डिग्री में से माइनस 60 प्लस 20 डिग्री कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 90 माइनस 80 डिग्री, तो कितना आ जाएगा 10 डिग्री आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे निकालें इसको। फिर से देख लीजिए आप, रेक एंगल दे रखा है 20 डिग्री, तो रेक एंगल 20 डिग्री रख दिया, पॉइंट एंगल दे रखा है 60 डिग्री, पॉइंट एंगल 60 रख दिया। अब 90 में से टेंजेंशियल एंगल में से हम इन दोनों का सम करेंगे तो 60 प्लस 20 का सम हो जाएगा 80 डिग्री, उसके बाद 90 में से 80 माइनस कर देंगे 10 डिग्री हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, हम कुछ आपको हमने क्या बताया, ये बताया चीजल एंगल के बारे में हमने आज आपको बताया, उसमें आपको बताया रेक एंगल किसे कहते हैं, क्लियरेंस एंगल किसे कहते हैं, पॉइंट एंगल किसे कहते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद मैंने सारी डिफिनेशन बताई, फिर हमने बताया ये क्वेश्चन कभी कभी कर लेता है कि अल्मोनियम का कटिंग एंगल कितना होगा, कास्ट आयरन का कितना होगा, कॉपर का कितना होगा, तो ये आपको एंगल कुछ याद करने पड़ेंगे कि अल्मोनियम का कितना होता है
35 डिग्री होता है, कास्ट आयरन का 60 डिग्री होता है, कॉपर का 45 डिग्री होता है। उसके बाद फिर हमने झुकाव कोण बताया था आपको, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इसमें भी आपको क्वेश्चन कर लेता है कि माइल्ड स्टील का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना होता है, तो 34.5 डिग्री होता है। माइल्ड स्टील का बहुत पूछते हैं, कॉपर और माइल्ड स्टील और अल्मोनियम का बहुत पूछते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है। कास्ट आयरन का भी पूछा जाता है, 37 डिग्री हो गया। तो ये सब आपको, ये वाले कुछ एंगल्स आपको याद करने पड़ेंगे। हाई कार्बन स्टील कितना हो गया, 39.5 हो गया। कॉपर का कितना हो गया, 29.5 डिग्री हो गया, और पीतल का 32 डिग्री हो गया, अल्मोनियम का 22 डिग्री हो गया। इसके बाद मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल दे रहा हूँ, इन न्यूमेरिकल आपको करने हैं। इसमें देख रहा है रेक एंगल दिया हुआ है 20 डिग्री, और इसमें दे दिया है क्लियरेंस एंगल 10 डिग्री। तो आपको इसमें बताना है कि कटिंग एंगल कितना होगा, ये आपको बताना है, कमेंट करके बताना है। एक और दिया हुआ है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, झुकाव कोण दिया हुआ है 40 डिग्री, कटिंग एंगल दे रखा है 60 डिग्री। तो आपको क्लियरेंस एंगल के बारे में कमेंट करके हमें बताना है कि इसका क्या आंसर होगा। पहले मैंने चीजल के बारे में पढ़ाया था, अगर आपने वो ना देखा हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए पहला पार्ट जरूर देखें चीजल का, फिर उसके बाद इस पार्ट को देखें तो आपको ज्यादा बेहतर से समझ में आएगा। प्लीज 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 चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है, अगर हमारी मेहनत आपको दिख रही है, तो इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, और नीचे जो बेल आइकन बने उसको दबाना मत भूलें। थैंक्स।